नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में हम बात करेंगे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में आज हम बात करेंगे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। भागलपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भागलपुर विधानसभा सीट पर जदयू और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने जहां इस सीट पर अजीत शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने इस सीट पर रोहित पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं भागलपुर के राजनीतिक इतिहास के बारे में। भागलपुर विधानसभा सीट 1951 में सबसे पहले अस्तित्व में आई थी। साल 1951 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण अग्रवाल विधायक चुने गए। 1952 में सत्येंद्र नारायण अग्रवाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1962 में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और वो एक बार फिर से चुनाव जीत गए। 1977 में इस सीट पर भारतीय जनसंघ और 1980 में भारतीय लोकदल का कब्जा रहा। 1980 में कांग्रेस की इंदिरा और 1985 में इस सीट पर कांग्रेस के टिकट पर शिवचंद्र झा विधायक रहे हैं। 1990 में भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार मित्रा विधायक चुने गए थे। उसके बाद 1995 से लेकर 2014 तक अश्विनी कुमार चौबे विधायक चुने गए थे। 2014 लोकसभा चुनाव में अश्विनी कुमार चौबे को लोकसभा का टिकट मिल गया। इस सीट पर उपचुनाव हुआ और यहां से कांग्रेस को जीत मिली। अब बात करते हैं 2015 विधानसभा चुनाव के बारे में। 2015 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस के अजीत शर्मा ने भाजपा के अर्जित शाश्वत चौबे को 10,658 वोट से हराया था और विधायक चुने गए थे। अजीत शर्मा को कुल 70,514 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे अर्जित शाश्वत चौबे को कुल 59,856 वोट मिले थे, तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय विजय प्रसाद साह को कुल 15,212 वोट मिले थे। 2010 विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के अश्विनी कुमार चौबे ने कांग्रेस के अजीत शर्मा को 11,060 वोट से हराया था और विधायक चुने गए थे। अश्विनी कुमार चौबे को कुल 49,164 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अजीत शर्मा को कुल 38,104 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा के डॉक्टर एनके यादव को कुल 19,479 वोट मिले थे। वहीं अगर हम 2005 विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी कुमार चौबे ने कांग्रेस के प्रवीण सिंह को 21,777 वोट से हराया और विधायक चुने गए। इस चुनाव में अश्विनी चौबे को कुल 53,698 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे प्रवीण सिंह को कुल 31,921 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा के रजनीश कुमार को कुल 2,645 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में अगर हम चुनावी मुद्दों की बात करें तो 2020 में पेयजल की समस्या, ड्रेनेज सिस्टम, सड़कों की बदहाली, फ्लाईओवर ब्रिज और बाईपास जैसे मुद्दे अहम होंगे। इन मुद्दों पर यूपीए और एनडीए के नेता अब तक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही करते आए हैं। शहर के बीच से निकलने वाला NH-80 कहने को तो लाइफलाइन है, लेकिन इसकी बदहाली और जाम से शहरवासी उब चुके हैं। पिछले चुनाव में दोनों दल के नेताओं ने इसे उबारने के लिए बाईपास निर्माण की बात कही थी, अब तक कुछ नहीं हुआ। घंटे भर की बारिश में बाजार से लेकर कॉलोनियों की गलियां तालाब बन जाती हैं। भोलानाथ पुल पर फ्लाईओवर बनाने की बात 10 साल से हो रही है, अब तक योजना नहीं बन पाई है, लेकिन अलग अलग दल के नेताओं ने चुनावी मौसम में पुल के पास फीता खिंचवाकर वोटरों को खींचने का काम जरूर किया है। भागलपुर विधानसभा चुनाव में राजनीति पूरी तरह से तेज हो गई है। इस विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। आपको बता दें कि सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। यहां से अश्विनी कुमार चौबे विधायक होते रहे हैं, लेकिन पिछले दो चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2020 में अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं और इस बार रोहित पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक अजीत शर्मा को ही उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प है कि भागलपुर की जनता किसे पसंद करती है और किसे ज्यादा वोट करके जिताती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।